नीति आयोग ने सरकार को 3 साल का एक्शन प्लान सौंपा। बैड बैंक और पब्लिक सेक्टर में ARC के सुझाव को नकारा। अफोर्डेबल घरों के लिए जमीन के दाम कम करने की योजना। रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ बाजार। निफ्टी पहली बार 9,300 के ऊपर बंद। सेंसेक्स अपने उच्चतम स्तर से 64 अंक दूर। सेंसेक्स 287, निफ्टी 89 अंक चढ़कर बंद। अनुमान से अच्छे रहे विप्रो के नतीजे। मुनाफा 7% बढ़कर 2,267 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में भी 9% की तेजी। मार्जिन्स भी उम्मीद से बेहतर रहे। कैन इंडिया के शेयरों में आज से बंद हुई ट्रेडिंग। कल से कैश सेगमेंट में नहीं होगी ट्रेडिंग। वेदांता के साथ मर्जर के चलते ट्रेडिंग बंद हुई। 27 अप्रैल से लागू होना है मर्जर। शेयर धारकों को वेदांता के शेयर मिलेंगे। सत्यम किंगफिशर जैसे फ्रॉड पर लगेगी लगाम। सरकार ला रही है अर्ली वार्निंग सिस्टम। कंपनियों में गड़बड़ी होने पर जांच एजेंसियों को जारी होगा अलर्ट। मई अंत तक लागू करने की योजना। जीएसटी से नहीं बढ़ेगी देश में महंगाई। रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने दिलाया भरोसा। कई देशों में एक जीएसटी रेट से बढ़ी महंगाई, लेकिन भारत में होंगे जीएसटी के मल्टीपल रेट। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की मुश्किलें बढ़ी। पद का दुरुपयोग कर रिश्तेदार के लिए होटल हथियाने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर। ₹500 करोड़ से कम आईपीओ की होगी निगरानी। कल सेबी की बोर्ड बैठक में होगा फैसला। सेबी के नए चेयरमैन अजय त्यागी की पहली बोर्ड बैठक। कई आईपीओ में फंड डायवर्जन की मिली थी शिकायत। दिल्ली की 3 MCD पर किसका होगा राज। 35 केंद्रों पर 270 सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। नक्सलियों के खिलाफ सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, सूत्रों के हवाले से खबर। गृह मंत्रालय ने खारिज की मांग।